राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 27 और 28 जनवरी को आरएस मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में लगातार आरएस मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार यहां पर युवा अपनी मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के अंदर बैठे हैं। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे। हमारी ये मांग है कि हमारा जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 27 और 28 जनवरी को, उसको 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। कहाँ से आए? मैं बाड़मेर से। देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक इनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। कुछ अभ्यर्थी और हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि मैं भैया सवाई माधोपुर से आया हूँ, आरएस मेंस को पोस्टपोन लेकर यहाँ पधारे हैं और हमारा सरकार से यही निवेदन है कि पिछले 20 दिनों से हम सरकार से दरख्वास्त लगा रहे हैं, हर मंत्री के घर पर जा रहे हैं, तो हमारा इतना सा निवेदन है। हम पिछले 24 घंटे से यहाँ कड़ाके की ठंड में पूरी रात निकली, आप रजाइयाँ देख रहे होंगे, तो इतना सा निवेदन है सरकार से कि ये आरएस मेंस का एग्जाम जो 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित है, इसे आगे बढ़ाकर 3 महीने का समय दिया जाए और कम से कम 3 महीने बाद ये एग्जाम आयोजित किया जाए। सरकार से कोई वार्ता? सरकार से हमारी जैसे डॉक्टर किरलाल जी से बात हुई, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से इस विषय में मिले हैं और गहन चर्चा हुई है और डॉक्टर किरलाल जी ने बिल्कुल कहा है, मीडिया में बयान दिया है कि विद्यार्थियों की बात तर्कसंगत है, उन्हें समय मिलना चाहिए। कर्मचारियों ने 1 से 1.5 महीना चुनाव में खपाया है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से पढ़ने का समय दिया जाना चाहिए। कल भी हमारा एक डेलीगेशन 11 लोगों का आदरणीय डिप्टी साहिबा दिया मैडम से भी मिला था, उन्होंने भी हमें ठोस रूप से आश्वस्त किया है कि मैं विद्यार्थियों के हित में लगातार खड़ी हूँ और मैं निश्चित रूप से सदैव आपके साथ हूँ और मैं मुख्यमंत्री साहब से पर्सनल मिलकर आपकी बात रखूंगी और निश्चित रूप से आपके लिए पोस्टपोन लेटर लेकर आऊंगी। देखिए, इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इन्होंने सरकार से भी वार्ता की है और इनको अभी तक आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन इनकी मांगों पर अभी पूर्ण रूप से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। मेरी मांग यही है सरकार से कि भाई आरएस परीक्षा में पढ़ने का टाइम दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी थे हम बहुत सारे जिनकी चुनाव में ड्यूटी थी, हमने सफलतापूर्वक चुनाव विधानसभा के करवाए और हमें आशा थी कि सरकार ने चुनाव से पूर्व जो वादे किए बीजेपी ने कि हम युवाओं के हितों के लिए काम करेंगे, तो और भजनलाल सरकार ने जब से शपथ ली उन्होंने बार बार ये वाक्य मीडिया में दोहराया है कि हम संवेदनशील सरकार हैं, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब इस हमारे युवाओं के मुद्दे के साथ आप संवेदनशीलता दिखाइए, तत्परता दिखाइए और हमारी मांग को सुनिए और हमारी इस मांग को पूरा कीजिए। हमें पढ़ने का समय दीजिए, पढ़ने का समय सबसे कम समय मिला है अभी इस 2023 में, यही हमारी मांग। भैया, आप 2 दिन से यहाँ पर बैठे हो, वार्ता उनकी हुई, उन्हें पता है सर, हमें अभी पता, हम तो बैठे हैं आस में कि कभी कुछ आएगा, लगता है आज खत्म ही हो गया। देखिए, अभ्यर्थी लगातार सरकार से अपनी मांग को मनवाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। सर, हम कल यहाँ से 12 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमारी मांग है कि कार्य के लिए हम समय दिया जाए। हम समय मांग रहे हैं, न कि हम कोई नौकरी मांग रहे हैं। हमने तैयारी की तब हमने प्री निकाला, हमें भी अब अगर मौका मिलता है, अगर समय दिया जाता है तो हम जरूर सक्सेस होंगे। अगर अभी तक का पैटर्न ये रहा है कि 2013 में बारिश हुआ है, 16 में भी हुआ, 18 में 21 हुआ, सभी का पैटर्न ये है कि 10 से 8 महीने मिले, लब में 8 महीने मिले, 6 महीने मिले, इस बार वाले आरएस में 3 महीने दिए मात्र, बीच में चुनाव आ गए जिनमें कई कर्मचारी गवर्नमेंट कर्मचारी थे जहाँ ड्यूटी लग रही थी, हमने पिछली सरकार लीक थी, पेपर लीक थी, उस वजह से हमने विपक्ष में बिठाया, हम ये सरकार बिठाई, हम सरकार से ये कि निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री सीएम साहब से और सभी मंत्रियों से कि हमारा समय दिया जाए, इसमें आरएस में प्रॉपर टाइम 3 महीने का समय आगे बढ़ा दिया जाए तो हम अपनी तैयारी करें। अब कल रात को इतनी कड़कड़ाती सर्दी के अंदर हम यहाँ पर मतलब सो रहे थे, यहाँ रुके हुए हैं और अभी तक पर है 50 से ज़्यादा विधायकों ने हमें समर्थन दे दिया, मंत्रियों ने दे दिया, फिर ये हठधर्मिता किस चीज़ की है? हम समय तो मांग रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और पिछली बार जो कांग्रेस बीजेपी के जो ये मंत्री थे, जो विधायक थे, ये सब ने हमारे फेवर में थे, अब सरकार बनते ये चेंज हो गए। दिया कुमारी जी से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे को विश्वास है कि भाई वो उन्होंने सीएस से भी बात की है तो आज दोबारा उनका डेलीगेशन बुलाया है, तो आश्वासन हमारे पूरा विश्वास है सरकार से कि हमारे साथ है। और आपकी मांगे नहीं मानते तो आंदोलन नहीं, आंदोलन उग्र भी होगा और इससे ज़्यादा लोग और भी आएंगे और जब तक अगर ये पोस्टपोन का लेटर नहीं आता है जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
हमारी देखिए अभ्यर्थी लगातार सरकार से अपनी मांगों को मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मैं सुनील कुमावत, मेरे कैमरामैन सहयोगी संजय के साथ नगरी मीडिया।